सर बिहार टॉप नहीं कीजिए ना। बिहार टॉप देखिए, अब उतना स्टूडेंट है ना कि बिहार टॉप का जाए, और इसी कारण कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पढ़ते पहले तो हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बनना चाहते हैं आप? हम IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? अबे यार, जिला प्रशासन संभालना चाहते हैं, पुलिस व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कैसा व्यवस्था है पुलिस व्यवस्था। अभी देखिए कर्दा कमा IPS से पुलिस जाऊ से पकड़ के घुसखोर की ईमानदार बनी है। अरे भाई, अभी पहले बनने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करके जगह कौन मिला है। हिंदी? अच्छा, क्या हिंदी में क्या लिखना है? अब क्या लिख रहा है, जो आएगा वही ना लिखेंगे। जी तैयार कर लिया ना? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, अपना मन से लिखते हैं जी, अपना हाथ जाए जगह। अच्छा, कितना परसेंटेज मार्क्स लाने का मतलब उम्मीद है? वो नहीं बताते हैं। नहीं बता सकते? अपना मन में रखते हैं। बोलने या बोल देंगे या नहीं आएगा तो वो। पढ़ते थे घर पे? न पढ़ते। अरे तो पढ़ाई करवे नहीं किए तो लिखेगा क्या? लिख देंगे ना। कैसे लिख दीजिएगा बिना पढ़े हुए? लिख देंगे। हाँ, लिख देंगे। अच्छा, इंग्लिश पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। न मैथ? न कुछ नहीं पढ़ते थे। अरे तो भाई लिखिएगा कैसे? इंग्लिश पढ़ते थे? हाँ, नहीं पढ़ते थे। पढ़ते थे? हाँ। अच्छा, इंग्लिश में कुछ बता सकते हैं आप? इंग्लिश उतना नहीं आता है, थोड़ा बहुत। ट्रांसलेशन वगैरह पढ़े? हाँ पढ़े हैं। पढ़े हैं? अच्छा, मेरे पास एक कुत्ता है, हल्ला नहीं कीजिए। मेरे पास एक कुत्ता है, क्या बनेगा? मेरे पास एक कुत्ता है। हाँ, आई एम अ डॉग। नहीं, क्या बोलेगा? ये देख सकते हैं ग्राम तैयारी चल रहा है। अंदर है? अंदर ले जाएगा क्या? ना, हम कला ले जाएंगे अंदर। हम कला जाएंगे परीक्षा देने। नमस्कार, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजायर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है और आज हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम है। साइंस वाले का इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आर्ट्स वाले का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो अभी हम आप यहाँ पे आए हैं सेंटर पे, और जैसे ही कैंडिडेट बाहर निकलेंगे उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि कैसा रहा एग्ज़ाम। खास के इंग्लिश में बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं बहुत वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि शायद आप ये जानते होंगे कि इंग्लिश कितना पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये शायद आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो आज मैं जानने की प्रयास करूंगा कि इंग्लिश का पेपर कैसा रहा। थोड़ी देर में बाहर निकलने वाले हैं और अभी देख सकते हैं कि अभी हिंदी का पेपर देने के लिए कुछ कैंडिडेट बाहर है। चलिए उनसे थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं कि हिंदी उनका मातृभाषा है। क्या नाम हुआ भाई? धीरज कुमार। क्या? धीरज कुमार। धीरज जी, कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम? हिंदी है। हिंदी? अच्छा, क्या हिंदी में क्या लिखना है? अब क्या लिखना है, जो आएगा वही ना लिखेंगे। तैयार कर लिया ना? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, अपना मन से लिखते हैं जी, अपना हाथ जाए जगन्नाथ। अच्छा, तो पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई थोड़ा बहुत किए हैं। थोड़ा बहुत जी? मतलब कितना पढ़ते थे? कितना? वही दो चार घंटा। दो चार घंटा पढ़ लेते? जी जी। तब तो बिहार टॉप कर जाइएगा। अब कैसे बताएंगे हम? बिहार टॉप नहीं कीजिएगा? अब देखिए। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनिएगा? क्या बनना है, जो सपना होगा वो बनेंगे हम। सपना क्या है? वही आपके जैसा थोड़ा बहुत। अरे कुछ ना कुछ सोचे होंगे ना? सोचे है सो छोड़िए ना। सोचे है सो छोड़िए। कुछ नहीं सोचे है? सोचे हैं लेकिन थोड़ा। अच्छा, आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट है पूरा? आर्ट्स में है वो हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इंग्लिश भी है जी? अच्छा, इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? हाँ, वो तो हमको नहीं मालूम है। इंग्लिश नहीं पढ़ते? नहीं इंग्लिश? नहीं, हम इंग्लिश पढ़वे नहीं करते। नहीं पढ़ते? कुछ नहीं जानते? दो लाइन इंग्लिश बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, कुछ भी कुछ नहीं जानते इंग्लिश में? देख सकते हैं बिहार बोर्ड का जो कंडीशन है, हालांकि इनका गलती नहीं है, बिहार के जो सिस्टम है उसमें शायद आप लोग जानते होंगे कि कितना पढ़ाया जाता है बिहार के स्कूल में, कितना इंग्लिश पढ़ाया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीचर दो लाइन इंग्लिश बोल पाएगा। बिहार के जो भी सिस्टम है, जो भी स्कूल है, उसमें मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। तो स्कूल नहीं जाते थे? कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए? नहीं, क्लास पढ़ाई ही नहीं होता था। कुछ नहीं होता है? अरे तो अटेंडेंस मायने रखता है ना अब? अरे भैया, अब ना मायने रखता है। हाँ, लेकिन इससे पहले जो आने वाला समय था, हाँ, उसमें नहीं था। उसमें नहीं था जी? अच्छा, तो अभी तो रेगुलर जाना पड़ता है ना? रेगुलर कॉलेज हम कहाँ जाते हैं? नहीं जाते हैं। चलिए, और भी कुछ कैंडिडेट है जिनसे मैं जानने के, देखिए भाग रहे हैं सब लोग, डर के मारे भाग रहे हैं। क्या क्या नाम है? रविंद्र कुमार। क्या सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आज? हिंदी का है। हिंदी का है? हाँ। तो कैसा तैयारी है? अच्छा है। हाँ, अच्छा है। कितना नंबर लिखेगा?
वो तो जितना आएगा क्वेश्चन तो लिख देवे करेंगे आप पूरा देने को। हाँ लिख देंगे। चीट उठ ले जा रहे हैं। चीट का क्या जरूरत है जब पढ़ लेंगे तो। पढ़े हुए हैं? हाँ। कितना देर पढ़े हैं? हम एक घंटा पढ़ते हैं। एक घंटा डेली पढ़ते थे? हाँ। अच्छा कितना परसेंटेज मार्क्स लाने का मतलब उम्मीद है? वो नहीं बताते हैं। नहीं बता सकते? अपना मन में रखते हैं। बोलने या बोल देंगे या नहीं आएगा तो वो। अच्छा इसलिए। चलिए और भी कुछ कैंडिडेट से थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं। इधर और इधर दिखाओ। इधर आप लोग क्या नाम है? सर्वेश। आज एग्जाम है? हाँ। कौन सब्जेक्ट का? हिंदी। हिंदी? हाँ। कैसा तैयारी है हिंदी का? ठीक है। कैसा तैयारी है? ठीक है। ठीक है। हाँ। कितना नंबर लिखेगा? पूरा लिखेंगे। हाँ पूरा लिख देंगे। पूरा लिख दीजिएगा। हाँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा? न छोड़े हैं ना छोड़ेंगे। अच्छा तो चीट उठ ले जाते हैं? चेक करना लीजिए। चेक कर चीट ले जाएंगे? नहीं ले जाते हैं ना। कुछ भी नहीं ना। अच्छा तो कितना देर पढ़ते थे घर पे? ना पढ़ते हैं। ना पढ़ते हैं। अरे तो पढ़ाई करवे नहीं किए तो लिखेगा क्या? लिख देंगे ना। कैसे लिख दीजिएगा बिना पढ़े हुए? लिख देंगे। आ? लिख देंगे। अच्छा इंग्लिश पढ़ते थे? ना। नहीं पढ़ते थे ना। मैथ? ना। कुछ नहीं पढ़ते थे? अरे तो भाई लिखिएगा कैसे? हाथ से। हाथ से? हाथ से। हाँ। दिमाग में कुछ रहेगा तब? ना है दिमाग में कुछ। कुछ नहीं है? ना। तो लिखिएगा कैसे भाई? बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। देखिए इनको मतलब कुछ आता नहीं है लेकिन कहना है कि हम सब कुछ लिख देंगे क्या? सब लिख दीजिएगा। अच्छा क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना। देख सकते हैं। आपका भी एग्जाम है? हाँ सर। क्या नाम है? गुलशन कुमार। कौन सा सब्जेक्ट है आज? हिंदी है। हिंदी? कैसा तैयारी हिंदी का? बढ़िया है। हिंदी का बढ़िया तैयारी है? हाँ। अच्छा पढ़ते थे? क्लास व्लास करते थे? हाँ, करते थे। ओनली फॉर घर पे ही पढ़ते थे? क्लास करते थे घर पे भी पढ़ते थे। घर पे पढ़ते थे। इंग्लिश पढ़ते थे? हाँ नहीं पढ़ते थे। पढ़ते थे? हाँ सर। अच्छा इंग्लिश में कुछ बता सकते हैं आप? इंग्लिश उतना नहीं आता है। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन वगैरह पढ़े? हाँ पढ़े हैं। पढ़े हैं? अच्छा मेरे पास एक कुत्ता है। हल्ला नहीं कीजिए। मेरे पास एक कुत्ता है क्या बनेगा? मेरे पास एक कुत्ता है। हाँ आई एम अ डॉग। नहीं क्या बोलेगा बोलो बताइए ना। अच्छा तो कुछ भी नहीं पर क्या पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है? नहीं। अच्छा आपका एग्जाम है? हेलो एग्जाम है? ना सर। हाँ नो आपका एग्जाम नहीं है? नहीं, भाई का एग्जाम है। देखिए बहुत भीड़ लग गया है। आप एग्जाम है तुम्हारा? नहीं नहीं दिलवाने आए। दिलवाने आए हैं कि तुम्हारा एग्जाम है? नहीं। आपका नहीं है? इधर देख सकते हैं सब लोग भाग रहे हैं। एग्जाम है? कैंडिडेट है तो। अरे तो गेस उस रखे हुए हैं। ये तो ऐसी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। देखिए ये देख सकते हैं ग्राम तैयारी चल रहा है। कैंडिडेट तो अंदर है। अंदर ले जाएगा क्या? ना ना हम तो कला ले जाएंगे अंदर। हम कला जाएंगे परीक्षा देने। अच्छा तो ये क्यों रखे हुए हैं? ऐसी निकाल के पढ़ रहे हैं। आपका एग्जाम नहीं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसी बैठल है मन ना लग रहा है तो। अच्छा मन नहीं लग रहा है तो पढ़ रहे हैं। हमको लगता है कि आप भी एग्जाम देने जाएंगे। ना 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 क्या बोल बादल कुमार क्यों आए हैं? एग्जाम देने। एग्जाम क्या चीज़ का? अभी तो हिंदी का सब्जेक्ट है। हिंदी का? हाँ। पढ़ाई करते थे? पढ़े या जितना पढ़ना चाहिए था। कितना नंबर आएगा? अब तो वो एग्जाम ना बताएगा। हम तो अभी बता नहीं सकते। अंतर्यामी तो है नहीं। अरे तो जितना लिखे अरे तो जितना लिखे उससे पता नहीं चलता है। अब देखिए हम लिखे हमको तो सही लगा है लिखे जितना। अब एग्जाम ना कैसा चेक करते हैं उसको क्या सही लगता है हम कैसे बोल सकते हैं भैया आपको? कैसे आप कॉन्फिडेंट के साथ नहीं लिखे हैं क्या? कॉन्फिडेंस के साथ लिखे हैं। अब देखिए अब सब सब्जेक्ट में गिन के तो नहीं बता सकते कितना आएगा लेकिन पासिंग मार्क अच्छा आएगा हम जानते हैं। अच्छा कौन सा डिवीजन आ जाएगा? फर्स्ट डिवीजन आ जाए चाहिए। आपको रिजल्ट भेज देंगे स्पेशली सर। बिहार टॉप नहीं कीजिएगा? बिहार टॉप देखिए अब उतना स्टूडेंट है नहीं कि बिहार टॉप का जाए। और इसी कारण कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पढ़ते पहले तो हो सकता था। कोई बड़ी बात नहीं। क्या बनना चाहते हैं आप? हम IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? अबे यार जिला प्रशासन संभालना चाहते हैं। पुलिस व्यवस्था को सही करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैसा व्यवस्था है पुलिस व्यवस्था। अभी देखिए कर्दा कमा IPS से पुलिस जाऊ से पकड़ के घुसखोर की ईमानदार बनी है। अरे भाई अभी पहले बनने दीजिए उसके बाद डिसाइड करके जगह कौन मिला है उसके हिसाब से बताएंगे कैसा बनेंगे ईमानदार बनेंगे घुसखोर बनेंगे। चलिए ठीक है। और सवाल हो?
अच्छा इंग्लिश पढ़ते थे? इंग्लिश पढ़ते हैं हल्का फुल्का। आप इंग्लिश से पूछिए, हिस्ट्री से पूछिए, ज्योग्राफी से पूछिए, पॉलिटिकल साइंस पूछिए। अच्छा इंग्लिश में पूछे कुछ कुछ पूछिए जो हम बता पाएंगे तो अच्छी बात है। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश सब्जेक्ट टू अति मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, वो विषय है कि जिससे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं हमेशा के लिए। अब किसी भी दुनिया में काम करना है तो भाई आप इंग्लिश आपको जरूरी है लाइफ में। नहीं नहीं इंग्लिश होता क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। व्हिच लैंग्वेज? ब्रिटेन एंड अमेरिकन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज? इट इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कोर्स दिस इज। दो लाइन इंग्लिश में बोल के दिखाइए दर्शकों। क्या इंग्लिश में बोले? माय नेम इज बालक कुमार, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आई बिकम अ IPS ऑफिसर। आई एंड अब क्या बोले, कुछ पूछिए। अच्छा अच्छा ये बताइए कि वोवेल कितने होते हैं? वोवेल 5 होते हैं। सेमी वोवेल? सेमी साइज 21 कॉन्टिनेंट और 21 होता है। हाँ तो सेमी वोवेल कितने होते हैं? आई डोंट नो, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं है, ट्रांसलेशन पढ़े हैं जी। वही पूछिए। पूछिए। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। आप मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो मी? ओके वेरी गुड। जी करता है एक कप चाय पी लूँ? आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी? आई फील लाइक टेकिंग अ कप। आई फील लाइक टेकिंग। यही होगा।